नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल खुद की सही पहचान में। तो रेलवे स्टेशन कहानी पार्ट टू। जैसे कि पहले पार्ट में हमने देखा था एक वृद्ध महिला जिसे हम रेलवे स्टेशन में खोज रहे थे, उसका नाम अब पता चल गया है। उसका नाम है शकुंतला। एक दिन की बात है, एक ट्रेन उत्तर दिशा से जोर से सीटी मारते हुए रुकी। हर दिन की तरह शकुंतला हर चेहरे में अपने नालायक बेटे को ढूंढ रही थी। दरअसल बात 2 साल पहले की है। शकुंतला का बेटा का नाम हीरा था, जिसका विवाह बगल के शहर की एक अमीर लड़की से हुई थी, जिसका नाम फूलमनिया था। कुछ ही दिन में सास बहू की लड़ाई होने लगी। एक दिन हीरा की पत्नी फूलमनिया अपने पति से कहती है, देखिए जी, मैं रोज दिन के झगड़े से तंग आ गई हूँ, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अरे रे, कहाँ जा रही हो? देखिए जी, अगर मैं यहाँ रही तो सासू माँ यहाँ नहीं रहेगी, और अगर वो रही तो मैं नहीं रहूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? और वो रोते रोते चली गई। कुछ दिन बाद उसका बेटा, जो पहले बहुत नेक था, पर पत्नी के कहने पर वो माँ को कहीं घुमाने के लिए ले गया। एक स्टेशन में दोनों उतरे और वहां पड़ी एक बेंच पर बैठ गए। उसका बेटा लड़का कहता है, माँ अभी तुम यहाँ कुछ देर रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रहा हूँ। अरे बेटा, मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलूँगी साथ। नहीं माँ, आप यहीं रुको, मैं तुरंत आया। और तब से आज तक वो नहीं आया। शकुंतला देवी इसी आस में बैठी रहती है कि एक दिन उसका बेटा उसे मिल जाएगा। आज जब ट्रेन रुकी तो सचमुच उसका बेटा उतरा। माँ की हालत देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, सब गलती हमारी है, चलो माँ अब घर चलो, मेरी पत्नी भी हर रोज आपको याद करती रहती है, और अब तो आप दादी बन गए हैं, और भला अपने दादी के गोद में खेले हमारा बेटा कैसे बड़ा होगा। और अब तो वो अपने पोते को नहला रही है, ट्रेन की सीटियों से उसे जगा रही है, बारिश की बूंदों में खिला रही है, पुराने ऊन लेकर अपने पोते के लिए नई स्वेटर बुन रही है। कहते हैं ना, माँ देवी स्वरूप होती है, उसके होने से ही घर में रौनक होती है, उसके हाथों से बनी सूखी रोटी में भी सदियों की भूख मिटा देती है। अब माँ के माथे की लकीरों में उसे जन्नत नजर आने लगी, और हंसता खेलता परिवार फिर से एक बार खुशमय जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इसके पार्ट 1 को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानियाँ कैसी लग रही है। तो मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए दौर को फिर से लेके। धन्यवाद।